समाजवादी के वरिष्ठ नेता व पूर्व पार्षद जफर अमीन डक्कू पर पार्षद एवं सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष शहाब अंसारी की पत्नी महिलिका ने साजिश रचकर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। कोतवाली में दिए गए तहरीर में पार्षद की पत्नी ने पार्षद शहाब अंसारी का अपने भाइयों व बहन से पुश्तैदी प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद का हवाला दिया है। शहाब अंसारी की पत्नी महिलिका ने तहरीर में पार्षद की पत्नी ने सपा नेता जफर अमीन डक्कू पर आरोप लगाया है कि मेरे देवर व ननद से प्रॉपर्टी का विवाद है, जिसको लेकर मेरे देवर व ननद हमेशा बवाल करते रहते हैं और पीछे से सपा के सीनियर लीडर जफर अमीन डक्कू उनकी बैंकिंग करते हैं। उन्होंने कोतवाली थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं गोरखपुर न्यूज़ ने जब सपा नेता जफर अमीन डक्कू से इस मामले में बात की तो उन्होंने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है और किसी के भी पारिवारिक मामले में मेरा कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि उस परिवार के मुखिया मेरे पार्टी के सदस्य थे, जिन्होंने लंबे समय तक मेरे साथ कार्य किया था। आज उनके परिवार में जो भी विवाद चल रहा है उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरे ऊपर उनके बच्चों ने जो भी आरोप लगाए हैं यह उनकी नादानी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पार्षद एवं सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष शहाब अंसारी की पत्नी महिलिका और सपा नेता जफर अमीन डक्कू ने कहा, महिलिका क्या है आप? हम हाउसवाइफ। किसकी पत्नी हैं आप? शहाब अंसारी। हम इस संबंध में तहरीर देना चाह रहे हैं कि हमारे हस्बैंड पार्षदी का चुनाव जब से जीते हुए हैं तब से उनको जफर अमीन डक्कू जो हमारे आदमी के पीछे पड़े हुए हैं उनको हराने की उससे बदला निकाल रहे हैं। हमारे आदमी का आदमी से बदला निकाल रहे हैं, इसी वजह से वो हमारे आदमी के पीछे पड़े हरदम साजिश रचते हुए हैं। हमारे घर भी आए थे, हमारे घर आने के बाद वहाँ हम लोग बताया गया, थाना कोतवाली को बयान दिया गया कि अवगत किया गया कि हमारे पति को मतलब मारने की साजिश हो रही है, मगर उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है कोतवाली थाना से हमारे आदमी की उससे। अभी तक भी यही जफर अमीन डक्कू हमेशा ही पीछे पड़े हुए हैं हमारे हस्बैंड के, और उसमें नंद भी मेरी शामिल हैं, देवर भी मेरे शामिल हैं, उसमें हमेशा साजिश हो रही है, इसीलिए हम मतलब उनको आरोप लगाए हुए हैं। किस तरह से साजिश रच रहे हैं लोग? क्या हत्या क्या का साजिश रच रहे हैं इन लोग हमारे हस्बैंड के खिलाफ? बंटवारे का भी कुछ मामला, बंटवारे का मामला यही घर द्वार का चल रहा था, इसी वजह से हमारे आदमी के पीछे उसमें मामले में पढ़कर और बंटवारे के मामले में पढ़कर साजिश कर रहे हैं। किसके बीच में बंटवारे का मामला चल रहा है? हमारे हस्बैंड और उन सब लोगों के बीच में चल रहा है, पांचों भाइयों के बीच में, मगर इसमें नंद और देवर दोनों मिलकर मतलब साजिश कर रहे हैं कि कब्जा करना चाह रहे हैं जमीन हमारी, हमारा घर सबका कब्जा करना चाह रहे हैं, सब भाइयों का, दोनों लोग अदनान और ये नंद पम्मी, शाइस्ता परवीन और पम्मी। उसमें ये मामले में हर वक्त बोलते रहते हैं बीच बीच में और राय लेते रहे, ये लोग जाते भी हैं वहाँ पे भी और ये आते भी हैं, डक्कू जफर अमीन डक्कू आए भी हैं हमारे घर और उसमें हत्या का साजिश भी रच रहे हैं हमारे हस्बैंड के खिलाफ। कभी कोई बात क्या ऐसा हुआ जिससे लगा आपको कि हत्या कर दी जाएगी? वो हमेशा गाली बकते हैं, दोनों कहते हैं सब, अदनान और पम्मी भी कहती हैं कि हम हत्या करा देंगे, हम जफर अमीन डक्कू से बात करते हैं, तुम लोग आते हैं दरवाजे तक आके गाली बकते हैं हमारे ऊपर, हम छत पर रहते हैं वहाँ पर आके गाली बकते हैं हमको कि तुम्हारे आदमी की हत्या करा देंगे। प्रशासन से कुछ मदद मिल पाई आपको? नहीं, हमको कुछ मदद नहीं मिल पाई है, उसके लिए हमने दे दिया है रिपोर्ट, पहले भी दे चुके हैं अभी भी दिया है हमने इसकी रिपोर्ट। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया आपने? एप्लीकेशन थाना कोतवाली पे हमने दे दिया है एप्लीकेशन और उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है। नहीं, वो पार्षद है इस्माइलपुर के, उनकी पत्नी का आया है कल रात हमको मालूम हुआ और वो आप ही के लोगों के पोर्टल से मुझको पता चला। राजवाल उनके घर से हमारे बड़े पुराने संबंध हैं, वो उनके फादर हमारे दोस्त थे
और वो एक्सपायर कर गया 8-10 साल पहले। हम जब पार्टी चलाते थे तो हमारे संगठन में भी थे, पारिवारिक संबंध था। उनके परिवार के झगड़े से हमारा कोई मतलब नहीं, एक हमारे लिए वहाँ सब बराबर हैं, जो पार्षद है वो भी हमारे लिए करीबी है और शकील साहब के जो और लड़के वो भी हमारे लिए करीबी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि हमसे कोई काम के सिलसिले में मदद लेना हो ले लो, हम किसी घरेलू मामले में किसी के नहीं पड़ेंगे, चाहे वो पार्षद हमसे मदद लेना चाहे हम नहीं करेंगे। उसके भाई जिनको मारा पीटा था या उसकी बहन कोई मदद लेना चाहे घरेलू मामलों में, तो हम नहीं पड़ेंगे। और 34-35 साल हो गया हमको सियासत करते हुए, आज तक किसी ने ऐसा आरोप नहीं लगाया, आज तक हमारे ऊपर ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया कि किसी के मैं घरेलू मामले में इंटरफियर करूं। और मैं अपनी जगह कायम। रासवाली की शकील साहब जब जिंदा थे वो भी बड़ा परेशान रहते थे, इलिटरेसी मेन वजह है, नादानी जिसको कहा जाए, और कि इलिटरेसी की वजह से ये बातें हैं कि घरेलू मामला जो एप्लीकेशन थी वो मैंने पढ़ा, वो लगा कि ज़बरदस्ती मेरा नाम घुसेड़ा गया, पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बेबुनियाद आरोप है, नादानी है कह लीजिए या इलिटरेसी है कह लीजिए, इसलिए कि शकील साहब के घर में उनके सब बच्चे तालीम हासिल कर लिए सिवाय ही बड़े लड़के को छोड़ के, और हाई स्कूल भी नहीं कर पाया बेचारा। वो हमेशा आते थे तो परेशान होकर हमसे कहते थे कि आप कहिए कि पढ़ ले, हाई स्कूल तो कर ले, ये वो, लेकिन वही सब परेशानियां हैं और उसको इस तरह का आरोप नहीं लगाने। बहरहाल बच्चा है, अपनी बीवी से लगवाया तो कोई बात नहीं, हमको घरेलू मामले में ना पढ़ना है ना हम पढ़े हैं। जहाँ तक आरोप उसमें लगा है कि बैंकिंग करते हैं, तो बैंकिंग में क्या होता है, आदमी अपने अप्रोच से पुलिस अधिकारी को फ़ोन करता है, चौकी इंचार्ज को फ़ोन करता है, इंस्पेक्टर को करता है, सीओ को करता है, वो लोग खुद बता देंगे कि हमारा कोई फ़ोन गया। अब कभी भी वहाँ तो विवाद एक साल से चल रहा, पूरे मोहल्ले वाले आजीज हैं, रोज़ लड़ाई होती है घर में, रोज़ बवाल होता है, पूरा मोहल्ला आजीज है, मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि जुल्म हो रहा है ये वो। कई लोग पंचायत भी कर चुके हैं लेकिन कोई पंचायत कारगर भी नहीं हुई, तो उनका पारिवारिक मामला उसमें हमको नहीं पड़ना है। और ऐसे आरोप लगाने से किसी का कद बढ़ता नहीं, कद खत्म हो जाता, जो थोड़ा बहुत बचा रहता वो भी। आरोप ये भी लगाया गया है कि जिला पंचायत वो पार्षद का चुनाव आप हारे हैं, उसका अब इंटेंशन बदला निकालना है इस दौरान। ना पार्षद के चुनाव में हम कहीं निकले हैं प्रचार करने, ना पार्षद के चुनाव में हमने किसी के लिए वोट मांगा है, ना पार्षद का चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पे यहाँ लड़ा गया है इस वार्ड में। और पार्षद तो हम आज से तो राजनीति कर नहीं रहे, हमने तो गोरखपुर शहर में नेता जितने घूम रहे होंगे सैकड़ों, उसमें 95% नेता हमने बनाया है, पार्षद हम ही बनाते रहे हैं गोरखपुर, तो एक मामूली से पार्षद के लिए क्या अहमियत है जान ही रहे हैं आप, हम ना जाने कितने को पार्षद बनाया। ये सब आरोप गलत है, छोटी बात है, पार्षद का चुनाव हुए हो गया 2 साल से ऊपर, घरेलू मामला दूसरे ही की, उनके अपने भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, अगर एक सियासी आदमी हो के अपने घर का मामला नहीं सॉल्व कर पाए, हम सियासत कर रहे हैं हमारा बड़ा नाम है, हमारे घर में कोई मामला हो तो हम छोटा भाई हो लाख उसकी गलती हो हम उसको गले लगा लेंगे कि भाई हम सियासत कर रहे हैं, तो अपने भाई को बहन को गले लगा के उसको ख़त्म कर लेना चाहिए कोई भी बात है तो।